गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 हिंदी फर्स्ट से चैप्टर नंबर 12 कंचा पढ़ेंगे, जिसके राइटर है टी पद्मनाभन। राइटर का नाम है टी पद्मनाभन। तो ये कंचा आप समझते हैं कंचा क्या होता है? आप लोगों ने भी कंचे से खेला जरूर होगा। कंचा एक शीशे का गोली होता है, गोल उसी को कंचा कहते हैं। बच्चे बड़े चाव से इस चीज को खेलते हैं, रखते हैं अपने पास। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं। वह नीम के पेड़ों की घनी छाव में होता हुआ सियाह की कहानी का मजा लेता रहता था। कोई है जो नीम के पेड़ के घने छाव में बैठता था, और सियाह यानी एक जानवर होता है जिसका नाम होता है सियार, वो हुआ हुआ करके बोलता है, तो उसका मजा लेता था। हिलते डुलते उसका बस्ता यानी बैग, स्कूल बैग दोनों तरफ झूमता खनाता आवाज़ करता रहता था। स्लेट कभी छोटी सीसी से टकराती तो कभी पेंसिल से टकराती और एक अजीब आवाज़ करती। यो बेसब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे होते हैं, मगर वह न कुछ भी नहीं सुनता था, न कुछ देखता रहता था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था, जैसी कैसी मजेदार कहानी कौवे और सियार की। वो बच्चा सुन रहा है, कुछ भी नहीं समझ रहा है, सिर्फ कहानी पे उसका ध्यान है। सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना गाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस गया हूँ, सियार बोलता है। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर गया। सियार उसको उठाता है, खाते हुए भाग जाता है। वह जोर से हंसा, कद्दू कौवा। लड़का जो है वो जोर से हंसता है और बोलता है, मूर्ख कौवा यानी कद्दू कौवा। वह चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा, वहां अलमारी के सामने पहुंचा। अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे हुए थे, उनमें चॉकलेट पीपरमेंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उसमें से किसी पर भी ना पड़ी। क्यों देखें, उसके पिताजी उसे ये चीज बराबर ला करके देते थे, इसलिए इन सारी चीज़ों पर उसका ध्यान नहीं गया। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान अपनी तरफ आकृष्ट किया। वह कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा, देखता रहा। नया नया लाकर रखा गया है उसमें, पहले उसने वह चीज़ यहाँ कभी नहीं देखी। उसको लगा ये नया नया चीज़ है, इसको पहले मैंने कभी नहीं देखा है। पूरे जार में कंचे हैं यानी गोली है, पूरे जार में हरी लकीर वाली बढ़िया सफ़ेद गोल कंचे, लकीर वाली हरी लाल सब कंचे रखे हुए हैं, बड़े आंवले जैसे, जैसे आंवला बड़ा आंवला होता है वैसे ही ये कंचे उसको दिख रहे थे। कितने खूबसूरत है, अब तक ये कहाँ थे, शायद दुकान के अंदर थे, अब दुकानदार के दिखाने के लिए बाहर रखा होगा। वो सोच रहा था कि अब तक ये कहाँ थे, हो सकता है ये दुकान के अंदर हो, अब दुकानदार सामने लाकर इसको रखा हुआ है दिखाने के लिए। उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा, वह आसमान सा बड़ा हो गया और वह भी भीतर उसके भीतर आ गया। वहाँ कोई और लड़का तो नहीं था, फिर भी उसने वही पसंद था उसे। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद वह अकेला ही खेलता था। उसने कल्पना करनी शुरू कर दी कि ये जार छोटा सा है, मैं इसके अंदर आ जाऊँगा, ये कंचे कितने बड़े बड़े हैं, ये सारे कंचे मेरे हो जाएंगे, ये सारी वो कल्पना करने लगा। वह कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा, तभी एक आवाज़ आई। वो सोच ही रहा था तभी उसको एक आवाज़ आई, लड़के तो उस जार को नीचे गिरा देगा। वह चौंक उठा, अब जरा छोटा बनता जा रहा था, जार जो है छोटा होता जा रहा था, और जार में हरी लकीर वाली सफ़ेद गोल कंचे छोटे आंवले जैसे होते हैं। उसकी कल्पना पहले थी, लेकिन दुकानदार ने उसे आवाज़ दी कि अरे जार को गिरा दोगे, तब उस कल्पना से बाहर आया और अब उसको वही लकीरों वाले कंचे छोटे आंवले की तरह दिखने लगे। सिर्फ दो जने वहाँ हैं, वह और वह बूढ़ा दुकानदार, सिर्फ दो ही लोग वहाँ हैं। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी। मैंने कहा ना, जो चाहते हो वह मैं ला कर दूँ। वह उदास हो खड़ा रहा, क्या कंचा चाहिए, फिर पूछता है, क्या तुम्हें कंचा चाहिए? दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया, उसने निषेध में सिर हिला दिया। बच्चे ने क्या किया, नहीं में सिर को हिला दिया। तो फिर दुकानदार पूछता है, तो फिर क्या चाहिए तुम्हें? सवाल खूब रहा, उस क्या उसे कंचा चाहिए, क्या चाहिए उसे? उसे खुद मालूम नहीं था, जो भी हो उसने कंचे को छू कर देखा। जार को छूने पर कंचे का स्पर्श का एहसास उसे हुआ। अगर वह चाहता तो कंचा ले सकता था, लिया होता तो स्कूल की घंटी सुनकर वह बस्ता थामते हुए दौड़ पड़ा।
देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है, उस दिन वही उसके बाद पहुंचा था, वही सबसे बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर है, रमन अगली बेंच पर है, वह रोज समय पर आता था। तीसरी बेंच के आखिरी में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है, जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता, सारे बच्चों को ध्यान से देख भी रहा है और समझ भी रहा है। लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी था, यानी जॉर्ज जो लड़का था वो कंचा बहुत अच्छा खेलता था, कितना भी बड़ा लड़का उसके आगे नहीं था, कोई भी बड़ा लड़का उसे मात खा जाता था। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता, हारे हुए को अपनी मुट्ठी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होती है। तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी को तोड़ता है। जॉर्ज क्यों नहीं आया, फिर सोचता है जॉर्ज क्यों नहीं आया है। अरे जॉर्ज, जॉर्ज को बुखार है ना, उसे रमन ने यह सूचना दी, उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रमन के घर के रास्ते में ही पड़ता था, अब वो कक्षा की तरफ ध्यान दे रहा है। मास्टर जी तभी आते हैं। मास्टर जी, उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली, रेलगाड़ी का सबक था, रेलगाड़ी रेलगाड़ी यही चैप्टर उसको पढ़ना था, पृष्ठ कौन थी तो 37। घर पर उसने यह पाठ याद पढ़ लिया था। मास्टर जी बीच बीच में पेट से मेज ठोकते हुए ऊंची आवाज में कह रहे थे, बच्चों तुम में से कोई कई ने रेलगाड़ी देखी होगी, बता भी रहे हैं कि बच्चों तुम में से तो कई ने रेलगाड़ी देखी होगी, उसे भाप की गाड़ी भी कहते हैं क्योंकि उसका यंत्र भाप की शक्ति से ही चलता है। भाप का मतलब पानी से निकलता हुआ भाप। मास्टर जी की आवाज अब कम ऊंची थी, वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में सबको समझा रहे थे। पानी रखने के लिए खास जगह, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं, यह लोहे का बड़ा पीपा जैसा होता है, लोहे का एक बड़ा कांच सा जार। फिर वो सोचने लगा कि अरे लोहे का एक बड़ा कांच का जार होगा, उसमें हरी लकीर वाली सफ़ेद गोल कंचे होंगे बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा, उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा, सिर्फ ये दोनों खेलेंगे और किसी को साथ में नहीं रखेंगे, फिर से ये बच्चा सोचने लगा। उसके चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा, सोच रहा है तभी चौक का टुकड़ा उसके चेहरे पर आ गिरता है, अनुभव के कारण वो उठाकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में थे, अरे तू उधर क्या कर रहा है, उसका दम घुट रहा था बोल, वह खामोश खड़ा रहा, क्या क्या नहीं बोलेगा। वे अप्पू के पास पहुंचे, सारी कक्षा सांस रोक के उसकी तरफ ही देख रही थी, उसकी घबराहट और बढ़ गई। मैं अभी किसके बारे में बता रहा था, मास्टर जी पूछने लगे। कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में कुछ और ही है, शायद उसके पाठ का ध्यान नहीं दिया हो, अगर दिया होता तो उसका जवाब जरूर देता। हाँ हाँ बता, डरना मत, फिर उसे पूछते हैं, बताओ डरो नहीं। मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवान था, हाँ हाँ हकला रहा था वो, तो वह कांपते हुए बोला, कंचा, यानी कंचे के बारे में सोच रहा था, उसके मुँह से कंचा निकल भी गया। वे सब पका गए, कक्षा में भूचाल आ गया। स्टैंड अप, मास्टर जी बोलते हैं, मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी, अप्पू रोता हुआ बेंच पर खड़ा। पड़ोसी कक्षा के टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा, फिर सम्मिलित हंसी की आवाज गूंजी। रोकने की पूरी कोशिश करने के बाद भी दुख रोक नहीं पाया और सबकता रहा, रोते रोते उसका दुख और बढ़ गया और सब उसकी तरफ देखते रहे, सारे बच्चे उसको देखते रहे। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा, दिखा दूंगा सबको, जॉर्ज को आने दो। फिर मास्टर जी रेलगाड़ी पाठ को पूरा करते हैं और पूछते हैं, किसी को शक है तो पूछ लो। मास्टर जी ने उसे एक घंटे का सबक समाप्त किया। क्या किसी को शक है? नहीं, अप्पू की शंका अभी भी दूर नहीं हुआ, सोच रहा था क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा देगा या नहीं देगा, अगर खरीदना ही है तो कितने पैसे लगेंगे। अभी भी अप्पू कंचे के बारे में सोच रहा था। रमन ने मास्टर जी के सवाल किया, उसे सवाल का जवाब मिला, अनविकी ने भी शंका का समाधान हुआ, कई छात्रों ने यह दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो, मास्टर जी फिर पूछे। हूँ पूछ लो ना, शंका क्या है? शंका जरूर है, क्या जॉर्ज के साथ चलने पर दुकानदार कंचा देगा, नहीं तो कितने पैसे में देगा, क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में? फिर सोच रहा है, क्या सोच रहे हो? पैसे क्या, कितने पैसे चाहिए, किसके लिए? वह कुछ नहीं बोला। फिर मास्टर जी पूछ रहे हैं, क्या रेलगाड़ी के लिए चाहिए? उसने सिर हिलाया, बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते, अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेंगे, रेलगाड़ी अगर मिल भी जाता है तो हम उसे लेकर के क्या करेंगे। लेकिन अप्पू तो यहाँ कंचे के बारे में ही सोच रहा था,
वह खेलेगा जॉर्ज के साथ, अभी भी वो सोच ही रहा है। मास्टर जी ने कहा जो फीस लाए हो वो फीस ऑफिस में जाकर के जमा कर दो। मास्टर जी को लगा कि अब पैसा लाया है और बोल दिए कि जाओ क्लास जाकर के जमा कर दो। मास्टर साहब ऑफिस में जाकर जमा करने की बात करते हैं। राजन के जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली। अब राजन जा रहा था और उसने चिकोटी काट ली अप्पू के पैर में, उसने पैर खींच लिया। उसे याद है उसे भी फीस जमा करना है, पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसी के लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा, 1 रुपये का नोट और 50 पैसे का सिक्का था। वह बेंच से उतरा, किधर, मास्टर जी ने पूछा। उसने कंठ से खुशी के बुलबुले उठे, फीस देनी है। फीस मत देना, मास्टर ने कहा। वह झिझकता रहा। ऑन द बेंच, बोले कि पैसा जमा करने अभी तुम्हें नहीं जाना है, ऑन द बेंच यानी बेंच के ऊपर खड़े रहो। और इस तरह उसको बोले कि भविष्य में कक्षा पे ध्यान दो, तुम्हारा ध्यान नहीं है। रमन ने फीस जमा की, मल्लिका ने भी जमा की। अब थोड़े से लड़के ही वहाँ बचे रह गए थे। मैं सोच रहा था जॉर्ज के साथ लेकर जाऊँगा तो शायद दे दे, अभी भी वो कंचे के बारे में ही सोच रहा था। घंटी बज गई, इतने में फी जमा करके बच्चे चले गए। मानो नींद से जाकर खड़ा हुआ हो अब। सब फी जमा कर चुके थे। कक्षा छोड़ने से पहले मास्टर जी ने पूछा, वह नहीं उठा। शाम को थोड़ी देर इधर उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। फाटक के खींचते थामे उसने सड़क की तरफ देखा। बास्ता कंधे पर लटकाए वह चलने लगा। दुकान के नज़दीक पहुँचा, उसकी चाल तेज बढ़ गई। वह अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार फिर से हंस रहा है। उसे मालूम हुआ दुकानदार उसके इंतजार में है। वह भी हंसा, फिर पूछता है कंचा चाहिए ना। उसे सिर हिलाया। दुकानदार जाल का ढक्कन खोलने लगा और अब उन्हें पूछा, अच्छे कंचे हैं ना। बढ़िया फर्स्ट क्लास कंचे हैं। तुम्हें कितने कंचे चाहिए, कितने कंचे चाहिए, कितने कंचे चाहिए। उसने जेब में हाथ डाला, 1 रुपया और 50 पैसे हैं। उसने वह निकाल कर दिखाया। दुकानदार चौंक पड़ा, अरे इतने सारे पैसे में कंचे चाहिए। बोला, हाँ सबके चाहिए। पहले कभी किसी लड़के ने इतनी रकम में इतने सारे कंचे नहीं खरीदे थे। इतने कंचों की तुम्हें क्या ज़रूरत है, दुकानदार पूछता है। वह मैं नहीं बताऊंगा। फिर बोलता है, नहीं है मैं नहीं बताऊंगा। दुकानदार समझ गया, वह अभी किसी ज़माने में बच्चा रहा था, उसके साथ ही मिलकर खरीद रहे होंगे, यही उसके लिए खरीदने आया होगा। वह कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को भी नहीं बताना चाहता था। दुकानदार ने पूछा, क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है। वह नहीं जानता था, तो फिर कैसे कैसे मालूम, सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया, दे दो। दुकानदार हंस पड़ा, वह भी हंस पड़ा। कागज की पोटली छाती से चिपकाया और नीम के पेड़ के नीचे छांव में चलने लगा। कंचे अभी उसकी हथेली में है, वह चाहे बाहर निकाल ले। उसने पोटली को हिला कर देखा, वह हंस रहा था। जी चाहता था काश पूरा जार उसे मिल जाता। जार मिलता तो उसके चन छूने के ही से उसे कंचों का एहसास हो जाता। एकाएक उसे शक हुआ, क्या अब सब कंचों के में लकीर होंगी। जिसे सोचता है क्या सारे कंचों में लकीरें होंगी। उसने पोटली खोलकर देखने का निश्चय किया। बास्ता नीचे रखकर वह धीरे से पोटली खोलने लगा। पोटली खुली और सारे कंचे जो हैं वो नीचे बिखर गया। वे सड़क के बीचों बीच में था। क्षण भर सब पाने के बाद वह उसे चुनने लगा। हथेली भर गई। वह चुने हुए कंचे कहाँ रखे, यह सोचने लगा। स्लेट और किताब बस्ते से बाहर रखने के बाद कंचे बास्ते में डालकर 1, 2, 3 वह घूमने लगा। तभी एक कार जो सड़क पर ब्रेक लगा रही थी, वह उस वक्त भी कंचे चुनने में मगन था। ड्राइवर को इतना गुस्सा आया कि उस लड़के को कंचा कच्चा खा जाए। उसने बाहर झांक कर देखा, वह लड़का क्या कर रहा है। हॉर्न की आवाज़ सुन कंचे चुनते अप्पू ने बीच में सिर उठाकर देखा। सामने एक मोटर है, उसके भीतर ड्राइवर है। उसने सोचा, क्या कंचे उसे भी अच्छे लग रहे हैं, शायद वह भी मजा ले रहा है। यानी अप्पू अभी भी कंचों में ही मगन था। और एक कंचा उठा कर उसने दिखा और हंसा, बहुत अच्छा है ना। ड्राइवर को दिखा रहा है कंचा, पूछ रहा है बहुत अच्छा है। ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया, वह हंस पड़ा। बस्ता कंधे पर लटकाया, स्लेट किताब सीसी पेंसिल सब छाती से चिपकाया वह घर आया। उसकी माँ शाम की चाय की तैयारी कर रहे उसका राय देख रही थी। बरामदे की बेंच में स्लेट पर किताबें फेंकर वह दौड़ कर माँ के गले लग गया। उसके लौटने में देर होते ही माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिला कर दिखाया, रही यह क्या है, माँ ने पूछा। मैं नहीं बताऊंगा, वह बोला। मुझसे नहीं कहोगे। कहूंगा माँ, आंखें बंद कर लो। माँ ने आंखें बंद कर ली। उसने गिना, 1, 2, 3। माँ ने आंखें खोलकर देखा, बस्ते में कंचे ही कंचे थे। वह कुछ और हैरान हुई, इतने सारे कंचे कहाँ से लाए। खरीदे हैं, पैसे
माँ ने पूछा वैसे पिताजी की तस्वीर क्यों इशारा करते, उसने कहा दोपहर को दिए थे ना। माँ ने दांतों तले उंगली दबा ली, फीस के पैसे इतने सारे कंचे क्यों लिए, आखिर खेलोगे किसके साथ, उस घर में सिर्फ वही है, उसके बाद एक मुंडी हुई थी उसकी छोटी बहन, मगर माँ के पल के उसकी माँ रो रही है, अब नहीं जान सका कि माँ क्यों रह रही है, क्या कंचा खरीदने से ऐसा नहीं तो नहीं हो सकता। फिर भी उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे, वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को ही कंचे क्यों नहीं पसंद आए, शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। अप्पू सोचने लगा शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। बस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हैं, उसने कहा कंचे बुरे हैं ना, नहीं अच्छे हैं। फिर बोलता है नहीं ये अच्छे हैं, देखने में बहुत अच्छे लगते थे ना, बहुत अच्छे लगते हैं। वह हंस पड़ा, उसकी माँ भी हंस पड़ी, उसकी खुशी देखकर उसकी माँ भी हंस पड़ी। आंसू से गिले माँ के गाल पर उसने अपना गाल सटा दिया, अब उसके दिल की खुशी छलक रही थी। एक छोटे से बच्चे के अंदर कंचे को लेकर कितना प्रेम है, कंचे से को खेलने के लिए वह कितना ललायक है, उसके साथ कोई खेलने वाला नहीं है, स्कूल का एक सहपाठी जो है वो उसके साथ खेलने वाला है लेकिन वो आया नहीं है। इसके एहसास से वो कंचे खरीदता है, खरीद के घर लाता है, अपनी माँ को दिखाता है, सबको कंचे पसंद है, उसकी खुशी देखकर उसकी माँ भी खुश हो जाती है। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 12, आप इसको अच्छे से वॉच कीजिए नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।